बिहार में सियासी हलचल पिछले दिनों से तेज थी और आज कह सकते हैं रविवार का दिन काफी अहम होने वाला है बिहार की सियासत में, क्योंकि आज एक बार फिर से नीतीश कुमार इस्तीफा तो सौंपेंगे राज्यपाल को, लेकिन शपथ ग्रहण भी उनका हो सकता है। लेकिन इस बार जब सरकार बनेगी तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार रहेगी, यानी महागठबंधन की सरकार पर विराम लग जाएगा। इसके अलावा जो और भी अपडेट्स हैं, सुबह 9 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, सुबह 10 बजे जेडीयू विधायकों की बैठक होगी, वहीं सुबह 11 बजे कांग्रेस की पूर्णिया में बैठक होने वाली है। तो आज का दिन बेहद अहम है, नीतीश जिसके लिए जाने जाते हैं फिर वही करने जा रहे हैं, पट शपथ की भी उनकी तैयारी है, यानी कि झटपट इस्तीफा देंगे और उसके बाद शपथ भी ले लेंगे। सूत्रों की खबर ये भी है कि बीजेपी ने नीतीश के साथ जो डील हुई है बीजेपी की वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई भी नेता अभी खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर खाने चल क्या रहा है, आज का दिन किन मायनों में अहम, एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देंगे। बिहार की राजनीति का आज सुपर संडे है, जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे उस पर बस फाइनल मुहर भर लगनी है। बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन यानी जेडीयू आरजेडी के गठबंधन के टूटने का ऐलान होना भर बाकी है। खबर तो यहां तक है कि अगली सरकार को लेकर फॉर्मूला भी सेट हो चुका है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, साथ ही वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। खबर ये भी है कि आज शाम ही नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। बीजेपी भले ही अपने पत्ते न खोल रही हो, लेकिन अंदर की खबर यही है कि नीतीश के साथ डील फाइनल हो चुकी है। सुबह 9 बजे बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक है, उसके एक घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और 11 बजे पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में दो धाकड़ समाजवादियों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। नीतीश के बारे में ये बात स्थापित है कि वो एक पद तभी छोड़ते हैं जब उनके हाथ में दूसरा पद रहता है। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है।